ये है फ्रॉग पकड़ने वाली गेम। वेर इज फ्रॉग? हुसैन का दोस्त। दोनों लड़के हैं तो इनको लड़के वाली चीज़ें देनी चाहिए। हम बॉयज़ सीधे सादे होते हैं, मुंह धोते हैं और सीधा अपने काम पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं असाम और मेरे साथ है इस वक्त शान, और आप इस वक्त देख रहे हैं इस ट्वाइस व्यूज। हम आ चुके हैं एक काफ़ी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, वो भी ट्वाइस से बड़े हुए एक बॉक्स की। तो उस बॉक्स में क्या होगा? ट्वाइस होंगे, कई ट्वाइस के ट्वाइस होंगे, कई किस्म के ट्वाइस होंगे। मुझे भी लगता है कि उसमें मेरे ख्याल से रिमोट कंट्रोल या बैटरी ऑपरेटेड ट्वाइस होंगे। इसे भी कंफर्म नहीं है, मुझे भी कंफर्म नहीं है। एक बॉक्स हमने मंगवाया, इंपोर्ट करवाया चाइना से, लेकिन हमें नहीं पता उसमें क्या क्या है। तो हम उसकी लाइव अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये बॉक्स है हमारा जो हुसैन के पास पड़ा है, इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। ये चाइना से इम्पोर्ट करवाया है, तो देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। मुझे भी नहीं पता, हुसैन को भी नहीं पता इसमें क्या है। तो आपके लिए भी एक्साइटिंग होगा, हमारे लिए भी एक्साइटिंग है। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं स्टार्ट। चलो फिर इसको खोल दें। चलो फिर इसे खोलते हैं गाइस, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। मिल जा रहा, अभी खोल के फाड़ दूँ। ओ भाई, फाड़ना नहीं है, ये हमारे काम का। पैकिंग तो काफ़ी अच्छी हुई भी है। क्यों जी? क्यों 2 घंटे लगने हैं भाई? किस खुशी में लगने हैं? इसे बताओ यार, ये 2 घंटे की बात कर रहे पागल। इतनी टेप लगाई। अच्छा जी, पैकिंग तो बड़ी शानदार की हुई है इन्होंने, ताकि डैमेज ना हो। मैं बता, तो इतना तो फटा हुआ है। कहाँ फटा हुआ? ये देखो। चलो इसको भी ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसके बाद ये क्या, फिर से पबजी की सेट आ गया हमारे पास। गाइस ये देखें, पहली चीज़ आती है हमारे पास पबजी सेट है। पहले भी हमने एक बार अनबॉक्सिंग की थी, उसमें भी ये मिला था, ये अब फिर मिल गया है। मतलब कि ये ज़्यादा यूज़ होता है, क्या कहते हो तुम? पबजी ज़्यादा खेली जाती है इसलिए। फ्री फायर का मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा कोई सेट बनाया हो। चलो फर्स्ट चीज़ हमारे पास फिर पबजी की आ गई है। इनको साइड पर कर देते हैं, ये जितने भी पीस निकलते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है हुसैन की फेवरेट गुड़िया। चलो हुसैन, तुम्हें अच्छी लग रही है ना? आपकी है, आपकी है। कितनी फेवरेट है हुसैन, बड़ा खुश हुआ इन्हें देखकर। इनको भी साइड में करते हैं फिर। फोम से बनी हुई थी ये। अच्छा, थर्ड पर हमारे पास इसमें चीज़ निकली है, ये है स्पिनर्स, ऐसे ही है। इसका नाम है स्पिन प्ले सेट। तो एक गन है उसके साथ, स्पिनर्स हैं मेरे ख्याल से, 2 स्पिनर्स हैं। और ये क्या है? ये लाइट वाला स्पिनर। ये आगे बच्चों के मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट्स, ये चिपक जाते हैं, मैग्नेटिक होते हैं। ये हुसैन की चीज़ें निकल रही, मेरे मतलब की तो अभी तक कोई चीज़ नहीं निकली। ये देखें, ये हुसैन की गेम भी निकल आई है, जो हुसैन खेलना पसंद करता है बहुत ज़्यादा। आप भी कमेंट्स में बताओ ये हुसैन की फेवरेट है या नहीं है। अब देखते हैं कि आप क्या कहते हो, चलो ऑडियंस क्या कहती है, कि हुसैन इससे खेलना पसंद करेगा या नहीं। मेरे तो ख्याल से हुसैन की तो बहुत फेवरेट गेम है, हुसैन अभी भी खेलता है इन चीज़ों से घर में। चलो ये चीज़ें आ गई। इसके बाद अब तुम उठाओ एक चीज़, देखते हैं तुम क्या उठाते हो इस बॉक्स में से। देखो इसने उठाया है एक फ़ोन है, आईफोन टाइप। अब मुझे नहीं पता इसमें फंक्शन क्या है। इसके साथ एक वॉच है, 2 सेल भी दिए हैं इन्होंने। क्या बात है भाई, क्या पैकेज बना कर दिया इन लोगों ने। इसमें स्पाइडरमैन, डोरेमोन है मेरे ख्याल से, और एक बेंटन निकला है, लेकिन बेंटन डिफरेंट है। इसमें वॉच की जगह ग्लासेस हैं। क्यों सर?
ऐसे ही है ना, ये देखें इसके साथ वॉचेस, वॉच नहीं है मेरे पास भी थी। हाँ देखा, मैंने कहा था ना हुसैन इन चीज़ों से भी खेलता है। इसके बाद ये वही आ गया अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इसके बाद चलो फिर उठाओ कोई चीज़ अपने पसंद की, टिक करो, देखते हैं ये क्या निकालता है अंदर से। इसने ये निकाली है, ये है ट्रिकी स्क्वाड डिसअपीयरिंग नाइफ, मतलब कि इसको मैं इसे मारूंगा ये नाइफ अंदर चले जाएगी। ये प्रैंक करने के लिए होता है, ये लोगों के साथ प्रैंक करने के लिए नाइफ होती है, ये देखें ऐसी होती है। ये भी इसके ऊपर केचप लगा के बोलो कि हमने किसी का खून कर दिया। हाँ देखा ये कितना तेज है भाई, ये ऐसी चीज़ें ही पसंद करता है, स्वॉर्ड होगी, गन्स होगी किसी को मारने के लिए। फ्री फायर का प्लेयर है ये बच्चा हमारा। ये क्या चीज़ है यार, ये चाइनीज़ लिखी हुई है मेरे ख्याल से, तो स्पिनर है ये। आप भी देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है बताओ, तुम्हें तो बस पता होना चाहिए। टेडी बियर बना हुआ है, तुम्हारी भी उम्र टेडी बियर से खेलने की है। बताओ ये क्या है, क्या है ये फिर, व्हाट इज़ दिस? पता नहीं, नहीं चलो इसे खोल के देखते हैं, ये खुला हुआ था तो ये तो ये मुझे लग रहा है जहाँ तक स्पिनर है। हाँ ये ऐसे हाथ में पहन सकते हैं, जो कि मेरे भी आएगा नहीं शायद, या मेरे भी आ गया यार ये तो। छोटे बच्चे हो इसलिए आ गया। अच्छा ये देखो मुझे कह रहा है छोटा बच्चा, देखो गाइस ये ज़माना आ गया। ये देखें ये ऐसे खेलते हैं बेबीज बच्चे, लाइट्स भी चाह रही हैं, ये देखें अंदर काफ़ी कूल है ये भी चीज़। हाँ ये हुसैन अभी ले लेगा, ये हुसैन के लिए मंगवाया है। चलो फिर इसको बंद कर देते हैं जल्दी से, और इसको डाल देते हैं वापस इसकी जगह पर। इसके साथ बस यही था जी, पैकिंग नहीं थी इसकी बनी हुई जी। चलो फिर इससे, मेरे ख्याल से तो कुछ था इसके साथ नहीं जी, कुछ नहीं था जी। ये क्या है, व्हाट इज दिस? मैं कह रहा था कोई चीज़ है यार। ये ना हमारे साथ एक बच्चा जो बैठा है ना इस वक्त, ये सोया रहता है क्योंकि ये फ्री फायर का प्लेयर है, इसकी भी गलती नहीं है बेचारे की। इसे क्या आप छोड़ दो, तुम्हारी उम्र नहीं रही फ्री फायर खेलने की, बड़े हो गए हो तुम, अब तुम पढ़ा लिखा करो। तो ये ब्रेसलेट वही चीज़, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। क्या किया वा? हाँ ये पज़ल गेम, ये हम बचपन में बहुत खेलते थे, बहुत मज़े की गेम है काफ़ी। क्यों? मुझे पता है, तुमने खेली हुई है। हाँ काफ़ी मज़े की गेम है, कार्डबोर्ड में मेरे ख्याल से बना हुआ है ये, अच्छे उसमें है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी करेक्टर हैं यहाँ पर, ये देखें काफ़ी ज़्यादा करेक्टर हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ये देखें पुलिस आ गई, एक कैट आ गई जो कि ये हुसैन ढूंढ रहा होता कैट, मुझे इसने कहा कि कोई बेबी मिले कैट का तो मुझे दे देना, और मैं एक लेकर आया था वो लिया नहीं इसने, कहा था मैंने नहीं रखना। इनके पास इतनी सारी कैटें हैं। हाँ हमने रखी। ओह हो ये हुसैन कहाँ से आ गया, व्हाट इज दिस? ये है एंटी स्ट्रेंथ, एंटी स्ट्रेस पंच मी, इसमें सेल्स डलते हैं, इसको पंच करेंगे मेरे ख्याल से, ये कोई म्यूज़िक या डांस करेगा कुछ ऐसे ही है लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर इसके सेल डलते हैं। तो यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी मज़े का लग रहा है मुझे तो। इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। अच्छा जी अब तुम निकाल लो एक अपनी पसंद की कोई चीज़ निकालो, ज़रा देखते हैं तुम्हारी पसंद क्या है। हाँ ये क्या निकाला है, आरसी हेलीकॉप्टर इसने निकाला है, ये भी काफ़ी कूल है। इसका दो ही फंक्शन है इसमें, हाँ सेंसर भी लगा हुआ है, हैंड नीचे करो तब भी ऊपर जाएगा, रिमोट से भी फ्लाई करा सकते हैं। वाह भाई वाह, तुम तो अपनी फेवरेट चीज़ें निकाल रहे हो अंदर से। चलो फिर इनको भी साइड पर करते हैं जल्दी से, ये ज़रा उस साइड रख दो, वो तकिया उस साइड
ये क्या है? ये क्या है? स्पिनर तो नहीं है? यस, ये स्पिनर है और ये मैग्नेटिक है, मैकेनिकल टॉप है, फिंगर टिप स्पिनर है। कैसे और काफ़ी कूल लग रहा है। देखेंगे हम इसे ओपन भी करके कि कैसे होता है कैसे नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये भी काफ़ी कूल चीज़ है, काफ़ी अच्छे कलर्स हैं इसके, देखें येलो कलर काफ़ी कूल कलर है, ये काफ़ी मज़े की चीज़ लग रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये स्पिनर। नाइस यार, ये भी रखो। ये क्या निकल आया? मेकअप सेट फॉर गर्ल्स, तुम्हारे लिए नहीं है, बिल्कुल आप ही के लिए। हाँ, तुम्हारी आप ही के लिए हो सकता है। अच्छा, ये इसमें नेल पॉलिश है, नेल्स हैं मेरे ख्याल से, टैटूज़ हैं नेल्स के। फिर ये क्या चीज़ है, इसका मुझे नहीं पता क्योंकि ये चीज़ मैं यूज़ करता ही नहीं, तो हमें क्या पता इस चीज़ का। हाँ, हम बॉयज़ सीधे सादे होते हैं, मुँह धोते हैं और सीधा अपने काम पे, और गर्ल्स ये चीज़ें लगा कर बड़ा तैयार श्यार होकर बाहर निकलती हैं। ये लो, फिर रखो। उनको तैयार होने में। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये भी तुम्हारी आप ही के लिए ऐसे ही है। यानी ये भी गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये बना हुआ है, किचन सेट है, इसमें चूल्हा है और फ्राई पैन वगैरह और चमचे सारा कुछ है इसमें। ये भी अच्छी क्वालिटी में, इसमें ये भी कलर है, ठीक है। ये दोनों हो गए, इसके साथ कोई और हो नहीं है। अच्छा, ये भी उधर रखो, नीचे रख दो। ये फिर आ गए, ये मिनी में है, इसमें फ्रिज भी डाला हुआ है उन्होंने, माइक्रोवेव भी डाला हुआ है और काफ़ी चीज़ें हैं। अंडे की तो इमेज भी डाली हुई है ना, अंडा बनाया नहीं है भाई तुम्हें, नाश्ते की भूख तो नहीं लग रही अब? नहीं, अभी तो रात है, खाना खाना वही। ये भी काफ़ी मज़े की हैं, अच्छी क्वालिटी में, रख दो फिर। अच्छा जी, What is this guys? ये ओपन हुआ है बॉक्स इसका, चीज़ें जब आती हैं फिर ऐसी ही आती हैं। ये क्या चीज़ है फिर बताओ? इस गोली में प्लेन डाल के तो इसको मारना होता है। किसको मारना होता है? नहीं, इसको चलाना होता है फिर प्लेन उड़ता है। ये देखें, ये गन है, साथ में प्लेन्स मिले हुए हैं, तीन है इसमें प्लेन्स, और इसमें ये डल जाते हैं और ये फिर फ्लाई होते हैं। ये देखें बैक साइड पर भी इसका पता चल रहा है। चलो ये भी फिर साइड पर जाने दो। चलो एक चीज़ निकालो अब, तुम्हारी बारी। ये क्या है? हाँ, ट्रेन सेट है ये गाइस, स्मॉल ट्रेन है 13 पीसेस की। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में लग रही है, तो इसे भी फिर पीछे रख दो। गाइस, ये आई ना मेरी फेवरेट चीज़, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? नाम बताओ। क्यूब। क्यूब, हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा सही है, क्यूब है ये, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लग रही है इनकी। साइज़ छोटा है लेकिन चीज़ उम्दा है। क्यों जी, एक मिनट। हाँ अच्छे हैं यार ये तो, सॉल्व हुआ है। ये देखो सॉल्व भी आते हैं भाई, ये देखो कितने हैं, यानी कि ये देखो ये इसकी स्पीड है। मैं हुसैन थोड़ा दूँ क्या जो तोड़ दूँ? ये देखें गाइस, काफ़ी अच्छी और काफ़ी ठीक स्मूथ है, इतने हार्ड नहीं है, यानी कि इजी सॉल्व कर सकते हो आप लोग। ये काफ़ी अच्छी पैकिंग में इस बॉक्स में। हुसैन छोटे का गन के लिए होना चाहिए। हुसैन छोटे वाले बेबीज के लिए रैटल्स निकले हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हैं
और ये बेबीज़ के लिए होते हैं, लेकिन हुसैन बड़ा खुश हो रहा था देख कर। ये लो भे, ये नीचे रख दो ना। अरे भाई तुम्हें नहीं दे रहा मैं। ये वही है ना स्पिनर, ऐसे ही है ना, वही चीज़ है। ये हमने यहाँ रखा था ना। इसके बाद ये आई ना असल गेम। व्हाट इज दिस गाइस? ये है फ्रॉग पकड़ने वाली गेम। वेयर इज फ्रॉग? ये फिशिंग देख लो भाई, ये इसे फ्रॉग कह रहा है, ये फिश बने में इसे कह रहा है। फ्रॉग पकड़ने वाली गेम है ये। ये है फिशिंग गेम और काफ़ी बड़ी है इसमें। अब मैं सही साइज है इसमें। मेरे ख्याल से दो लेयर की फिशिंग पोंड हैं, फिशिंग रॉड हैं 4 पीस और फिश हैं 26 पीसेस। काफ़ी मज़े की और हैवी वेट है इसका। अच्छा सा रहने दो, ठीक है रहने दो, ये नीचे रख दूँ। ठीक है, हुसैन कह रहा मैं उठाऊँगा, तो हुसैन चलो तुम ही उठा लो। ये तो वही है, उठा लो भाई। क्या नहीं, नीचे बहुत फंसी हुई है, ऊपर वाली कोई चीज़ उठाओ जल्दी से। उठाओ, ये भी फंसा हुआ है, कोई और चीज़ जैसे ये रही है पड़ी हुई। ये देख लो क्या उठा है। इसने वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम क्या कहते हैं इसे, क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर। हाँ ये इसने वैक्यूम क्लीनर उठा लिया। ये भी अच्छी क्वालिटी में है, एक ही है पीस एक बॉक्स में। ये भी है, ये फर्स्ट, ये भी था। क्या चीज़ है ये? ये तो स्मॉल है, वो बड़ा था, रखना नीचे। ये एक और आ गया, ये मेरे ख्याल से स्मॉल गन है। इसमें भी इसके साथ इन्होंने मेरे ख्याल से 3 एरोप्लेन दिए हुए, शायद एक दिए हुए, कोई पता नहीं है। इसे खोलेंगे तब पता चलेगा, लेकिन उसी गन में स्मॉल है ये। लो भाई हुसैन ने गाड़ी उठाई है, वो भी मिलिट्री पे इसकी। हाँ मिलिट्री सीरीज है, मिसाइल कार है, काफ़ी अच्छी लग रही है, लाइट एंड म्यूजिक के साथ है। तो ये भी गई साइड पर। अब इसमें एक और चीज़ आई है, व्हाट इज दिस? हाँ बर्थडे केक। ये तो निकल गया, मड से बना हुआ है ये, तो मड है इसके अंदर, यानी कि मेरे ख्याल से खुद बनाना होगा। ऐसे ही है मड के साथ, क्योंकि इस पर लिखा हुआ भी है डाई कलर्ड मड। मेरे ख्याल से मड मिलेगी हमें इसका केक बनाना, कुछ ऐसे कोई चीज़ है इसके अंदर ना। तो ये भी गया साइड पर। ओए होए होए, हम अपने बचपन में इतना सा मोबाइल यूज़ करते थे जिस पर गाने चलते थे, चल छैया छैया। और अब बच्चों के लिए देखो कैसे कूल कूल आ गए फ़ोन, इसमें भी म्यूजिक है, लाइट है और ओ या। ये इसके लिए स्पेशल बच्चे के लिए। ये मिकी माउस और ये इसका डोरेमोन आ गया, ये तीनों के साइड पर। लो नीचे रख दो, लो कोई भी चीज़ देखते हैं व्हाट यू लाइक। ये निकाल ले, फंसा है ये वाला, तो मैं निकाल के रहूंगा। वाह भाई वाह, गन वाला बंदा है, बल्कि गिटार है, मैं समझा गन पकड़ी हुई है। कैमल पे बैठा हुआ है, एक अरबी टाइप है, हुसैन शायद हो सकते हैं, मे भी हो सकता है। मैंने ऊंट पे सवारी करनी है। ये देखो कह रहा है ना, ये भी बैटरी ऑपरेटेड है, लाइट एंड म्यूजिक के साथ है। तो ये भी गया हुसैन की तरफ। ये सारी चीज़ें मेरी हैं। ये वही है, वही चीज़। ये देखें ब्रेसलेट, ब्रेसलेट भी है और मेरे ख्याल से स्पिनर भी, दोनों चीज़ें, ब्रेसलेट और स्पिनर, 2 in 1। चलो निकालो। ये क्या है इसको? हाँ ये भी वही है,
दस लेटर स्पिनर क्या चीज़ है? हाँ ये घड़ी पहन के ये वाज से चलता है डॉग। ये देखें काफ़ी कूल है, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे किसी और दिन। 7 मोड्स हैं स्पिनर्स, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड है, फेस रोटेट है, इसमें ये 4 फंक्शन है इसके। ये लो ये तो काफ़ी भारी है। और ये आगे हमारे पास गेम, वाटर गेम, सुना नाम कभी? खेली है जी, मैंने खेली भी है। हमने तो अपने बचपन में बहुत खेली है। ये ऐसे बंद हुआ हुआ था, ऐसे खोला, इसमें हमें करेक्टर मिल रहे हैं, लड़कों भी लड़कियों के भी। ये इस तरह की गेम है कुछ है। और ये देखें ये ऐसे दबा कर ना इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखो कैसे कूल है ना। जी ये रिंग डाल सकते हो तुम? मुझे आता है, डाल के बताओ मुझे, देखता हूँ। डालो रिंग। हाँ ऐसे रात हो जाएगी। और भाई साहब इससे रिंग नहीं डलना, पूरी रात ये बैठा रहे तब भी नहीं डलना। चलो ले आओ, ठीक है छोड़ दो, तुम जीत गए, तुम हार गए। ये तो इसने ये रिंग डाला, कोई भी नहीं डला। चलो इसको भी, ये भारी बहुत है यार बॉक्स, ये टूट भी सकते हैं। शीशे का बना हाँ, ये इधर मैं नीचे रखता हूँ। अभी तो निकाली थी तुम, चलो निकालो जल्दी से। वो बहुत नीचे है, ये तुम पहले अपना दोस्त तो निकाल लो। नहीं नहीं मैंने ये नहीं निकाला। हुसैन का दोस्त तुम मोटे हो, ये भी मोटा है। मोटू पतलू। हाउ क्यूट इज दिस, कितना क्यूट है ना, शिनचैन की तरह। ये भी मेरे ख्याल से बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें काफ़ी फंक्शन इसके बैक पर लिखे हुए हैं। ये देख की तरह है, टॉकिंग मंकी है। क्या बात है भाई, बातें करते हैं मंकी। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, एजुकेशनल प्रेयर मैट। बच्चे नमाज सीख सकते हैं इस टॉय के साथ। कैसे? इस पर सारी वो लिखी हुई है मेरे ख्याल से, साला ये इंस्ट्रक्शन बनी हुई है, जहाँ जहाँ वो हाथ लगाएगा तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे ही है, किसी दिन इसे खोल के दिखाएंगे आपको। इसको नीचे ना रखना, वो पीछे उस पर कुर्सी पर रख दो। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ओ, 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 ये आ गया है हमारे पास क्या? ये तो मुझे इसका नाम नहीं पता। किचन सेट है गाइस, गाइस नहीं हुसैन साहब, ये किचन सेट है। दिस इज किचन सेट, यू नो। अच्छा जी, ये है किचन सेट गाइस। तो ये भी गर्ल्स के लिए हुआ, हमारे लिए तो नहीं हुआ। चलो फिर इसको चलो फेंक देते हैं। नहीं भाई फेंकना नहीं है। ओ भाई हुसैन का एक और दोस्त आ रहा है। और टॉमन जेरी ने तेरा टॉकिंग टॉम, वो भी बड़े साइज में, क्यूट है ना। ये देखिए ये इसमें दो होते हैं करेक्टर, काफी मजे का है। ये इसमें मेरे ख्याल से वॉइस ये कॉपी करते हैं हमारी, जो हम बोलेंगे ये रिकॉर्ड करके हमें रिप्लाई करते हैं। इसमें लाइट है, म्यूजिक का टच सिस्टम है। मैं बोलूंगा मेरी शादी को भूल। हाँ तुम हमारी शादी करवाते हैं, सब्र करो ज़रा, तुम्हारी अम्मा से बात करते हैं। यार ये कौन है जो बीच में अब कॉल करके, सॉरी ना। तो गाइज इसमें सिर्फ रह गए हैं, कितने चीज़ें रह गई हैं? दो, सिर्फ दो चीज़ें रह गई हैं भाई। ये हमारे पास बॉक्स है यार, सिर्फ इसमें एक चीज़ तो ये निकली है, ये है वॉशिंग, बर्तन धोने वाला। हाँ बर्तन धोने वाला वो सेट है, यानी कि वॉशिंग होम किचन में ये यूज़ होता है, ठीक है।
इसको भी खोल के देखेंगे इसमें क्या क्या निकलता है। बाहर कुछ और होता है, अक्सर अंदर कुछ और होता है, क्यों जी? तो इसको भी हम साइड पे, फिलहाल है तो हैवी है। इसको बनाना हम दो तो। तो दूसरी भी चीज़ हमारे पास टॉकिंग टॉम ही निकला है इसके अंदर से। अंजेला नहीं है यार, अंजेला इसलिए नहीं है, फिर तुम फिर लड़कियां ढूंढ रहे हो, तुमने फिर अंजेला के पीछे लग जाना है, इसलिए अभी टॉकिंग टॉम ही, वो उन्हें भी पता है कि दोनों लड़के हैं तो इनको लड़के वाली चीज़ें देनी चाहिए, लड़कियां बिल्कुल नहीं इन्हें दिखानी चाहिए, ऐसे ही है ना? नहीं। तो गाइज हमारा इस वक्त बॉक्स हो चुका है खाली। ये थी हमारी आज की लाइव अनबॉक्सिंग जो हमने शेयर की आपके साथ। यस तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारी बड़ी अच्छी लगी होगी, हमें तो बड़ा मज़ा आया अनबॉक्स करने में, यानी कि एक सरप्राइज़ था हमारे लिए, हमारे एक दोस्त ने भेजा है चाइना से इंपोर्ट करके, हमें गिफ्ट की है, तो हमें भी नहीं पता था क्या है और उससे भी नहीं पता था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एग्जैक्टली, या वो बताना ही नहीं चाह रहा था हमें कि इसमें क्या क्या निकलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, नीचे अपनी सपोर्ट दिखाया करो या नीचे कमेंट करके, ठीक है? वरना तुम लोगों के लिए डंडा निकालना पड़ेगा, तुम लोग कमेंट नहीं ना करते फिर डंडे मार के सब्सक्राइब कर दो। हाँ ये देखो, ये जूता मार के सब्सक्राइब कर रहा है, ये देखो पागल हो गया, ये ना ये मार खाने वाला हो गया, इसको भी डंडे पड़ने वाले हैं, ये भी नहीं कमेंट करता वीडियो के नीचे, बहुत तेज है ये। चलो ठीक है, टिकटॉक पे फॉलो करना। हाँ टिकटॉक पे भी फॉलो कर लेना, इसा ट्वाइस होगा IESSETOYS, सिंपली लिखोगे तो टिकटॉक पर हमारी आईडी आ जाएगी। आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, हमारा ये हंसी मजाक का सिलसिला और अनबॉक्सिंग की वीडियो यहीं पर रुकती है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉय के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।